So in the last class, I was discussing the geometrical interpretation of LD and LI. So what is the geometrical interpretation? If two vectors are collinear, then they are LD. Na? If three vectors are coplanar, then they are LD. Geometrical interpretation. So basically, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So let us see this important theorem. Yeah, ki theorem aapki actually. Theorem 3.5.9. Page number 90. What it states? It states that let V be any vector space. You know that thing. Let V be any vector space. Then three parts are there, in fact, and I have already discussed all the parts. You will see the set V is LD if and only if V is equal to zero. This result is for singleton set. If you have a single element and that is zero, then the set is LD. And I have discussed already. In fact, if you have a set carrying n number of elements, and if any one of the vector is zero, it will be LD. So it is not true for only singleton set. It is true for always for any number of vectors. Okay. So the set V is LD if and only if V is equal to zero. We will prove it theorem for singleton set. B part. The set V1 comma V2 is LD if and only if V1 and V2 are collinear. Okay, collinear means what? Kya bataya abhi? One of, yes, alpha times of ek dusre ka, yes, product. Yes, yes. So you can say one of them is a scalar multiple of other. Yes. Yeah. Scalar multiple of the other. Of course, scalar multiple की बात होती है आपके vector space में. And C, the set. Suppose you have now three vectors, V1, V2, V3. You know, the set V1, V2, V3 is LD. और ये बात, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी वेक्टर स्पेस, चाहे ये R2 में हो, V2, V3, कुछ भी, अगर कोई वेक्टर स्पेस अगर है ना, तो उसमें अगर हम दो वेक्टर्स ले लें और ऐसा आ जाए तो हम उसे कह देंगे LD, है ना. अब आपका सेट ऑफ मैट्राइसेस भी हो सकता है, यू नो योर सेट ऑफ मैट्राइसेस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, है ना, 2x2 की ले लो जैसे मैं, तो उसमें अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स आ रही है जो एक दूसरे के मल्टीपल है तो वो LD हो जाएंगी. तो वेक्टर स्पेस को सिर्फ V2 या V3 के सेंस से मत देखिए, दिस वेक्टर स्पेस मे बी एनी स्ट्रक्चर, मैट्राइसेस हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीनोमियल्स हो सकते हैं जो हमने डिस्कस करे हैं आपसे ऑलरेडी. तो द सेट V1 V2 V3 इज LD इफ एंड ओनली इफ V1 V2 एंड V3 आर को प्लेनर, है ना, दैट मीन्स वन ऑफ देम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू. तो ये दो थ्री स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम में. बताइए भाई सब लोग, थ्योरम क्लियर है ये? Yes, sir. Rashid Hasan? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. So here I will prove it. वैसे तो मैंने इसका प्रूफ आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन चलो लेट अस प्रूव इट फॉर्मली.
तो लुक एट ए पार्ट, द सेट वी इज एलडी इफ एंड ओनली वी इज इक्वल टू जीरो, तो बोथ साइडेड इज ट्रू, है ना. सो यू कैन प्रूव इट बोथ साइडेड डायरेक्ट. सो वी इज एलडी, है ना. अब भाई वी इज अगर एलडी है, आई एम सपोज आई एम टेकिंग फर्स्ट थिंग लेट वी इज एलडी, फर्स्ट थिंग आई एम टेकिंग लेट वी इज एलडी. सो एलडी का मतलब क्या हो गया, अल्फा टाइम्स वी इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा वी इज इक्वल टू जीरो फॉर अल्फा नॉट जीरो, नॉट इक्वल टू, है ना. यस एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड वन थ्योरम, इफ अल्फा वी इज जीरो देन वी मस्ट बी जीरो और अल्फा मस्ट बी जीरो, प्रूव करा था सबसे फर्स्ट थ्योरम जो प्रूव करी थी. यस सर, ये तो पहली दूसरी क्लास का है जी. तो अगर अल्फा नॉट जीरो है क्योंकि एलडी है, है ना, सो दिस इंप्लाइज दैट वी मस्ट बी जीरो. ये हमने किस थ्योरम से करा था, आपकी वो थ्योरम नंबर शायद मुझे याद नहीं आ रही, फर्स्ट थ्योरम थी, आप उसे देख सकते हैं, है ना. ये ऑब्वियस है, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्ट कि हाँ ये चीज इसमें ट्रू होगी, है ना. कन्वर्स बात करते हैं, वो थ्योरम नंबर शायद क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है. थ्योरम नंबर थी आपकी, लेट मी चेक इट, वेक्टर स्पेस में आ गया, इट वाज थ्योरम नंबर 3.1.7. इफ जीरो जी अल्फा जीरो इज जीरो, जीरो यू इज जीरो, इसमें उन्होंने दिया हुआ भी है शायद, ये थ्योरम का प्रॉब्लम 5 दे रखी है, इसे आप चेक कर सकते हैं. ये हमारी प्रॉब्लम 5 थी, प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम सेट 3.1 पर. चलो कन्वर्सली लेट वी इज इक्वल टू जीरो, ओके. नाउ यू वांट टू शो वी इज एलडी, है ना. टू शो दिस वेक्टर वी इज एलडी या सेट वी इज एलडी, क्या करेंगे, वी टेक अल्फा टाइम्स वी इज इक्वल टू जीरो. जीरो अगर एलडी शो करना है तो आपको क्या शो करना होगा, अल्फा शुड बी नॉट जीरो, अल्फा शुड बी नॉट जीरो. तो लेकिन वी तो ऑलरेडी जीरो है, तो अल्फा तो नॉट जीरो हो ही सकता है, है ना. यस, तो यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड विच इज ट्रू फॉर अल्फा, या आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर जीरो नॉट इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू आर, नॉन जीरो अल्फा के लिए ट्रू होगा एज वी इज ऑलरेडी जीरो. तो जैसे ही अल्फा जीरो हुआ, दिस इंप्लाइज दैट वी इज एलडी. क्यों भाई, तो ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, छोटी सी थी, आप खुद भी कर सकते थे इसे, लेकिन मैंने इसे कर दिया क्योंकि थ्योरम है. इज इट क्लियर. बी की बात करते हैं भाई. पार्ट बी इज व्हाट, द सेट वी वन वी टू इज एलडी इफ एंड ओनली इफ. देखो इन ऑल द स्टेटमेंट्स वी हैव इफ एंड ओनली इफ, सो इन ऑल द स्टेटमेंट आई हैव टू प्रूव बोथ साइड. चलो सो आई एम टेकिंग पार्ट बी. Internet connection is unstable. Am I audible? Yes, sir. आज इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, सुबह भी प्रॉब्लम हुई थी बहुत. चलिए सो बी पार्ट लेते हैं. तो आई एम एज्यूमिंग फर्स्ट साइड, लेट सपोज लेट द सेट वी वन वी टू इज एल डी, लेट लेट वी वन वी टू इज एल डी. So, if V1, V2, LD है, तो अभी मैंने आपको बताया, then what will happen? They will be scalar multiple. अभी आपको दिखाया नहीं मैंने कि भाई अगर V1, V2, LD है, तो क्या होगा? अभी तो अगर हम अभी तो हम definition की बात करें पहले, हाँ वो तो collinear के लिए आएगा कि अगर V1, V2, LD है, तो by the definition, then by definition there exist alpha, beta belongs to R such that alpha V1 plus beta V2 is equal to 0, है ना, and alpha beta not equal to 0. At least, दोनों नहीं, एक भी नहीं हो, चाहे हो सकता है, at least one of alpha and beta not 0, है ना.
कम से कम एक नहीं हो, दोनों नहीं होगा तो भी ठीक है। तो हमने मान लिया लेट बीटा नॉट जीरो, ओके यस सर। अब अगर बीटा नॉट जीरो है तो इट मींस व्हाट, दिस मींस आई कैन राइट, अगर बीटा नॉट जीरो है तो बीटा से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या? कैन आई राइट, यस सर, कैन आई राइट वी टू इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा वी वन। इसे भाई इधर ले गए, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस है हम, है ना, दीज ऑल कैलकुलेशन आर अलाउड हियर। सो इट मींस व्हाट, इट मींस कि v2 इज अ स्केलर मल्टीपल, दिस इंप्लाइज दैट v2 इज अ स्केलर मल्टीपल, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, इट इज सम स्केलर, गामा कह सकता हूं इसको मैं, इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ v1, ट्रू है ना? यस सर। और ये यही डेफिनेशन है, दिस इंप्लाइज दैट v1 एंड v2 आर को लीनियर, है ना, वन साइड प्रूफ हो गई। कन्वर्सली ये क्लियर है भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। कन्वर्सली लेट अस सपोज v1 v2 आर को लीनियर, लेट v1 एंड v2, अब कन्वर्स करेंगे हम, लेट v1 एंड v2 बी को लीनियर, लेट के साथ बी यूज होता है ना, लेट v1 एंड v2 बी को लीनियर। सो इफ v1 v2 को लीनियर तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, है ना? यस सर, यही कोलिनियर का डेफिनेशन ही, बाय द डेफिनेशन, हाँ ये डेफिनेशन है, वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, से वी वन इज इक्वल टू सम अल्फा वी टू, ओके। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या लिख सकते हो आप, v1 माइनस अल्फा v2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये v1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, वन है सर, तो आपको दिख रहा है कि आपका अल्फा चाहे जीरो हो जाए तब भी v1 का कोएफिशिएंट हमेशा क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो यू गॉट नॉन ट्रिवियल, ये क्या है, जीरो इक्वल हो रहा है, सो इट इज नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, यस। सो दिस इंप्लाइज दैट v1 v2 is v1 and v2 they are ld, सेट में लिखोगे तो ये है ना, क्योंकि ये आपके पास हमेशा नॉन जीरो एक मिल रहा है स्केलर जो आपको जीरो दे रहा है, अल्फा चाहे जीरो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके। चलो इसी चीज को अगर आप देखें तो सी पार्ट भी सेम यही है, बस वहां पर मैं कह लूंगा आपकी बार थ्री वेक्टर्स, सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कोपिलिनर की, इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ दिस बी, नथिंग एल्स। सी में व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल टेक लेट द सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स वी वन वी टू वी थ्री बी एल डी, देन इट मीन्स व्हाट, बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एल डी की क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, है ना, विद एटलीस्ट, विद एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो। हमने कहा से अल्फा इज नॉट जीरो तो क्या होगा, व्हेन यू विल राइट अल्फा वी वन प्लस बीटा वी टू प्लस गामा वी थ्री इज इक्वल टू जीरो, so because alpha not zero I can write v1 is equal to how much minus beta upon alpha v2 se divide kar denge and minus gamma upon alpha v3 likh sakta hu bhai clear ye aapke scalars hai isko plus karke aise likh do ek hi baat hai ye they are some scalars now it is some you know it is some maybe gamma 1 गामा वन वी टू प्लस गामा थ्री वी थ्री, अगर मैं ऐसे लिख दूं है ना, गामा वन ये है ये गामा टू है, स्केलर मल्टीपल है,
So it means what? That means I can say कि v1 belonging to span of v1, v2, v3. तो ये definition है कि they are coplanar. This implies that v1, v2, v3 are coplanar. Okay. Conversely, let v1, v2, v3 are coplanar. इसी डेफिनेशन को इसी को रिटर्न रिवर्स कर दो कोप्लेनर तो इट मींस व्हाट देन दिस इंप्लाइज दैट वी वन बिलोंग्स टू वी टू वी स्पैन ऑफ है ना दिस इंप्लाइज दैट वी वन कैन बी रिटन एज सम अल्फा वी टू प्लस बीटा वी थ्री इसको अगर हम राइट लेफ्ट में ले जाए तो आई कैन राइट वन डॉट वी वन माइनस अल्फा वी टू माइनस बीटा वी थ्री जीरो तो यू गॉट नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन बिकॉज दिस इज ऑलवेज नॉट जीरो अल्फा बीटा जीरो हो जाए तब भी है ना सो इट इज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वी वन इज ऑलवेज जीरो सो दिस इंप्लाइज दैट द सेट वी वन वी टू वी थ्री इज एल आई एल डी भाई क्लियर है प्रूफ सारे ये हाँ तो ये आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं सिंपल प्रूफ था कोई ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था लेकिन अब आपको एक ज्योमेट्रिकल चीज पता चल गई कि एल डी एल आई का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है ठीक है सो देयर आर सम फैक्ट्स कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ से निकल के आए फैक्ट्स लिखे इन्होंने देखो 3.5.10 फैक्ट है ये फैक्ट क्या है कि इन वैक्टर स्पेस वी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग द जीरो वेक्टर जो मैंने फैक्ट आपको बताया अभी है ना इज एल डी किसी भी सेट ऑफ वेक्टर में अगर जीरो आ गया और उसके साथ चाहे आपके पास कितने भी वेक्टर हो चाहे वो सारे एक दूसरे के मल्टीपल ना हो लेकिन अगर जीरो वेक्टर है तो वो सेट क्या होगा हमेशा एल डी है ना चाहे एक दूसरे के मल्टीपल ना भी हो लेकिन जीरो आ गया तो वो एल डी होगा क्योंकि जीरो इसमें है इज इट क्लियर यस सर सर इसका कन्वर्स भी हाँ नहीं कन्वर्स नहीं अगर जीरो है तो ये कह रहे हैं जीरो है तो एल डी होगा कन्वर्स का ये नहीं है कि अगर एल डी है तो जीरो वेक्टर होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना कन्वर्स नहीं है भाई आपने देखा दो वेक्टर्स में आपके पास एल डी थे लेकिन जीरो वेक्टर नहीं था उसमें ये कह रहा है कि अगर जीरो वेक्टर सेट में है तो एल डी होगा कन्वर्स ये हुआ कि अगर कोई सेट एल डी है तो उसके अंदर जीरो वेक्टर होगा ऐसा नहीं है एल डी तो आपका ये भी हो सकता है 1,2, 2,4 है ना यस सर इसमें जीरो वेक्टर नहीं है तो कन्वर्स ट्रू नहीं है ट्रू सिर्फ इतना है कि अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर है तो वो एल डी होगा है ना सर जो अभी थ्योरम फर्स्ट थी उसमें वो सिंगल वेक्टर के लिए था अगर सिर्फ एक वेक्टर है इफ एंड ओनली जो सिंगलटन के लिए था ये बात तो क्योंकि सिंगलटन में तो आपको पता है कि सिंगलटन में अगर सिर्फ एक वेक्टर है ना सिंगलटन में तो हमने सिंगलटन में अगर जीरो ही है सिर्फ तो वो एल डी होगा क्योंकि सिंगलटन में अगर नॉन जीरो है अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक सेट ले लूँ 1,2 सिर्फ एक ही वेक्टर है तो बताओ ये एल डी है कि एल आई है बताओ फिर बताओ ये नॉन जीरो है सर नॉन जीरो तो क्या एल डी है एल आई है ये सर ये एल आई हमेशा एल आई होगा अगर नॉन जीरो क्योंकि आप जब भी अल्फा 1,2 जीरो पुट करोगे तो अल्फा मस्ट बी जीरो है ना तो अगर आपके पास सिंगलटन सेट में नॉन जीरो वेक्टर है वो हमेशा एल आई होगा सिंगलटन सेट में जीरो वेक्टर है वो हमेशा एल डी होगा सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट ठीक है लेकिन एक से ज्यादा है तो फिर हम बता चुके कैसे चेक करेंगे इज इट क्लियर एनी डाउट नो सर हाँ ठीक है एक और फैक्ट है फैक्ट नंबर 3.5.11 इन अ वेक्टर स्पेस वी इन वी इफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेक्टर सपोज वी वन वी टू वी एन है ना वी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि कह सकते हैं आप दैट मीन्स कि दिस वी belongs to span of
v1 v2 vn कोई वेक्टर एक ऐसा मिल गया आपको जो स्पैन सेट में आ रहा हो, है ना, देन देन द सेट v, v1, v2 and so on, vn दिस सेट इज ld, है ना। मतलब अगर ये वेक्टर v आपका इस स्पैन सेट के अंदर डाल दूं मैं तो ये सेट आपका ld होगा, चाहे भले ही विदाउट वी एल आई हो ये, लेकिन अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दिया तो ये ld बन जाएगा। समझ में आई बात नहीं? यस सर, है ना। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यू हैव 10 and 01, ये आपका सेट भले ही एल आई हो, मान लो ये एल आई है, ठीक। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ सिंपल 10 + 01, इसका एक कॉम्बिनेशन मैंने सिंपल वाला ले लिया, क्या हो जाएगा ये 11। अब आप जैसे ही इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट ऐसा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो डाल दें अगर इसमें, अब ये सेट डेफिनेटली एलडी हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? यस सर, क्योंकि आप देख सकते हो 1, 1 को मैं अभी तो प्रूफ भी किया ना सर, ये v1 वो उसी से प्रूफ भी हुआ, तो ये फैक्ट्स उसी से आ रहे हैं एक्चुअली। यस सर, फैक्ट्स है ना, याद रखना ये उसका मोर जनरल फॉर्म है। हां, कि अगर कोई भी आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है उसमें हम कोई एक वेक्टर ऐसा डाल दें जो आपका लीजेंड कॉम्बिनेशन हो तो वो आपके वो एलडी बना देगा, है ना। ये एक्सरसाइज आपकी आ जाती है कभी कभी कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे देंगे आपसे कि सपोज यू हैव सम सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3, है ना, और कहेंगे इस सेट ऑफ वेक्टर्स को एक्सटेंड करके एलडी बनाइए, एक एलडी सेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे इनमें किसी का मल्टीपल या स्केलर कॉम्बिनेशन ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, वो आपका एलडी सेट बन जाएगा, ठीक है। एक और फैक्ट, लास्ट फैक्ट है ये, देन आई विल वाइंड अप माय क्लास। 3.5.12 फैक्ट, इन अ वेक्टर स्पेस वी इफ द सेट v1 v2 vn इज li एंड v इज एनी वेक्टर व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ दीज n वेक्टर, देन अब अगर मैं इसको ऐड करूं देन द सेट v, v1, v2, vn देन द सेट इज स्टिल li। बात समझ में आई? अगर आपके पास कोई सेट ऑफ li वेक्टर्स है, ओके, उसमें इफ आई एम एडिंग सम वेक्टर v व्हिच इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन स्टिल द सेट विल बी li। ओके, जैसे आई एम टेकिंग 1, 0, 0, 0, 1, 0, सपोज ये सेट ले लें तो ये आपके li होते हैं, दे आर li, li है ना, ये बताओ भाई, इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा बीटा जीरो आ जाएगा। यस सर, है ना। अब इसमें कह रहे हैं कोई एक वेक्टर ऐसा लो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो, तो मैंने कह दिया 1, 0, 0, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो तो मैंने कह दिया 0, 0, 1, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, देखो, है ना। आप कभी भी कोई तीसरा वेक्टर इनके सम से नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट 20 जीरो है हमेशा, तो ये जो थर्ड वेक्टर है डज नॉट बिलोंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये सेट स्टिल इट विल बी एल आई, ठीक है, ये कह रहा है। समझ गए? एक कंडीशन ये है कि ये सेट एल आई हो, जब तब ये होगा। इसको आप प्रूफ करेंगे अपने आप देख समझ सकते हैं, ठीक। बताइए, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने डिस्कस करे, इन फैक्ट्स को यू विल हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ, इसे खुद से सोचिएगा, है ना। एज आई टोल्ड यू के जो लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज मोर अबाउट थिंकिंग एंड विजुलाइजिंग द थिंग, जो आपको थ्योरम या रिजल्ट सामने आता है यू शुड थिंक के जो कर रहे हैं कैसे हो रहा है, जितना सोचोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड देन डेवलप अ हैबिट ऑफ डिस्कशन ऑल्सो, अपने ग्रुप में ही आप अपना फ्रेंड्स बनाएं 3-4, ज़्यादा फ्रेंड्स भी अच्छी बात नहीं है,
उसमें फिर गॉसिप शुरू हो जाती है, अपना एक ग्रुप बनाए और उसमें डिस्कस करें, ठीक है भाई। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं, लग रहा क्लास में बोर होना शुरू हो गया स्टूडेंट्स ने, तो आई विल एंड माई क्लास, आज क्लास लंबी हो गई हमारी, ठीक है भाई। यस सर, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मंडे में हम कंटिन्यू करेंगे फिर विद न्यू टॉपिक, मींस न्यू टॉपिक नहीं, अभी अभी तो यही चलेगा, अभी नेक्स्ट क्लास में इस पे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और थ्योरम है, देन एक्सरसाइजेस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है भाई। रोहित कुमार सिंह, यस सर। चलिए सो आई एम एंडिंग द क्लास, जो आज पढ़ाया ये सब आप अपना आपस में डिस्कस करिए, और इसके नोट्स बना रहा है कोई, नोट्स बना रहा है आप लोग, नहीं जैसे लास्ट ईयर बनाए थे आप लोगों ने? यस सर, बना रहे हैं। नोट्स बनाते रहिए, मैं आपसे नोट्स मांग लूंगा कभी भी, तो बहुत अच्छे नोट्स बनाइएगा। चलिए ओके भाई, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।